हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किचन टिप्स लाई हूँ, जिसका इस्तेमाल करके ना आपके किचन के काम बहुत ही इजी हो जाएंगे। जैसे किचन के काम में हमारे आते हैं लहसुन छिलना, ये देखिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि हम बहुत ही कम समय में ढेर सारी लहसुन कैसे छील सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बहुत ही कठिन होता है। हमारे हाथ भी दुखते हैं, समय भी वेस्ट होता है, नाखून वगैरह में चुभ जाते हैं तो ब्लड भी आने लगते हैं, हमारे हाथ जो है डैमेज हो जाते हैं। तो हम कैसे केवल 3 से 4 मिनट में किलो भर लहसुन कैसे छीलें, अपना समय कैसे बचाएं, अपने किचन के काम को कैसे आसान करें, उसके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स लेकर आई हूँ, बहुत ही कमाल की है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप किए बिना देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आप इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम 2 किलो लहसुन केवल 2 से 3 मिनट में कैसे छीले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिए हैं लहसुन की 25-30 गुच्छियाँ, ये देखिए। आप चाहे तो 2 किलो लहसुन भी ले सकते हैं, मुझे इतने ही लहसुन की ज़रूरत थी तो मैंने इतना ही लहसुन लिया है। क्या होता है, हम कई बार अचार वगैरह डालते हैं या घर में कोई फंक्शन वगैरह है, पूजा वगैरह, तो हमें ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत पड़ती है खाना वगैरह बनाते हैं तो, या तो अचार वगैरह के लिए। तो क्या होता है, हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और छिलते रहने से हमारा हाथ भी दुखने लगता है। और लहसुन छिलना ना ज़्यादातर कोई पसंद भी नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम होता है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत बोर लगता है इसकी घंटों भर छिलाई करते रहने से। तो इसके लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा है। केवल आप 2 से 3 मिनट में ना 2 किलो लहसुन ऐसे ही छिलकर रख लेंगे। तो देखिए क्या करना है, लहसुन की कलियों को इस तरीके से अलग अलग करके एक बर्तन पर डुबा लेना है। मैंने ठंडा पानी ही लिया है, गर्म पानी नहीं है। इसको डुबा के हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, भीग जाए फूल कर। इसको हमें थोड़ा सा भिगा लेना है ताकि ये भीग कर फूल जाए। तो 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही हमें पानी में डुबा देना है, बिल्कुल ठंडा पानी है। फिर आगे की प्रोसेस हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको सिर्फ डुबाना है 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद केवल 2 से 3 मिनट में ये छील कर रेडी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ले लेना है एक कॉटन का बैग, ये देखिए। इस तरीके से हमें एक कॉटन का बैग ले लेना है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप इस तरीके से कॉटन का बैग ले लीजिए। तो सभी के घरों में प्रायतर होते ही हैं, मार्केट वगैरह से कुछ लाते हैं तो रहता ही है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप कॉटन का बैग ले लें। फिर इस लहसुन की कलियों को आप बैग में डाल दीजिए। बहुत ही कमाल की ट्रिक है फ्रेंड्स, आप देखते ही रह जाएंगे कि कैसे आपके 2 से 3 किलो लहसुन ना बहुत ही आसानी से केवल 2 से 3 मिनट में छिलकर रेडी हो जाएगा। ट्रिक बहुत ही कमाल की है। तो ये मैंने बैग में सारा लहसुन डाल लिया है, अब इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। एक ही जगह इकट्ठा हो गया है, उसको थोड़ा सा फैला लेना है। तो चलिए अब वो ट्रिक बताती हूँ जो बहुत ही कमाल की है। तो हमें वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स लहसुन को छिलने के लिए। जी हाँ, आप लोग चौंक गए ना कि हम कपड़ा तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं, पर ये ट्रिक, पर ये टिप्स पहली बार सुन रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में लहसुन की छिलाई कैसे होती है। तो बहुत ही कमाल की टिप्स हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारी लहसुन जो है 2 से 3 मिनट में छिल कर रेडी हो जाता है। वॉशिंग मशीन बहुत ही कमाल की है, हमारे कपड़ों को तो धोने में आसान करती है, साथ ही साथ अभी हमारे किचन के कामों में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो लहसुन को इस तरीके से मैंने बैग में डालकर वॉशर में डाल लिया है, ये देखिए। इसमें हम लोग कपड़े सुखाने का काम करते हैं, तो इसको डालकर इसका ढक्कन बंद कर लेना है और ये जो स्प्रिंग होता है उसको ऑन कर देना है। हमें इसको 1 मिनट के लिए स्प्रिंग होने के लिए छोड़ देना है। मैंने स्प्रिंग का बटन ऑन किया और इसको 1 मिनट के लिए, आप जो सेकेंड दिए रहते हैं उसमें 2 से 3 आप घुमा सकते हैं। और फिर मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स, कितना आसान तरीके से इसमें का जो लहसुन है वो छिल जाएगा। याद रहे, जब हम लोग कपड़ा डालते हैं, अगर कपड़ा फंसा हुआ रहता है तो मशीन झटके देने लगते हैं, वैसे भी दे सकते हैं,
तो आप इसको तुरंत खोलकर दोबारा से डालिए, इसको अच्छे से फैला कर डालिए। इसलिए मैंने बोले थे कि लहसुन को थोड़ा सा फैला कर डालना है, एक जगह इकट्ठा करके नहीं डालना है। तो ये देखिए मेरा लहसुन कितना बढ़िया तरीके से छिला गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। कितने आसान तरीका है कि कैसे हम केवल 2 से 3 मिनट में इतना सारा लहसुन छिलकर रेडी कर लिए हैं। देखिए आप स्वयं देख सकते हैं इसका छिलका कैसे बाहर आ गया है। केवल आपको इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना ठंडा पानी में डुबा कर रखना है, फिर बैग में डालकर इसको वॉशिंग मशीन में स्प्रिन होने के लिए डाल देना है। तो आप देख सकते हैं छिलका जो है पूरा बाहर आ चुका है और लहसुन की कलियां जो हैं कैसे छिल गई हैं, बिल्कुल टूटा नहीं है। ये देखिए जैसे हम लहसुन छिलते हैं ना हाथ से, बिल्कुल वैसे ही छिलाया है। तो मैं अब लहसुन की कलियों को पानी में डाल देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि हमें इसको चुनने में आसानी हो। जो छिला हुआ लहसुन है वो नीचे बैठ जाए और जो छिलका है वो ऊपर की तरफ आ जाए, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे जो छिला हुआ लहसुन है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे केवल 2 से 3 मिनट में ढेर सारी लहसुन छिलकर रेडी हो गया है। बहुत ही कमाल की टिप्स है। वॉशिंग मशीन जो है हमारे कपड़े धोने में तो मदद करते ही हैं, बहुत ही कम समय में ढेर सारी कपड़े धो लेते हैं, लेकिन अब ये किचन के कामों में भी बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो आप देख ही लिए हैं कि कैसे हमने वॉशिंग मशीन में ढेर सारी लहसुन छिलकर रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए एक भी कली टूटा नहीं है, जैसे हम हाथ से छिलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही छिलाया हुआ है। तो आप देखिए ये देखो कि इसका कोई भी छोटा छोटा टुकड़ा नहीं हुआ है, बीच से कहीं पास नहीं टूटा है। बहुत ही आसानी से लहसुन जो है छिलकर रेडी हुआ है। पानी में हम डुबाएंगे ना तो इसका छिलका जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो कली है लहसुन की नीचे बैठ जाएगी, तो हमें इसको चुनने में आसानी होगी। छिलका हम बाहर निकाल लेते हैं, लहसुन की कलियों को अलग कर लेते हैं। तो आप स्वयं देखे हैं फ्रेंड्स कितना कमाल का टिप्स है। रिजल्ट आपके सामने हैं कि केवल कैसे 2 से 3 मिनट में ढेर सारी लहसुन छिल गया है। मुझे इतनी ही लहसुन की ज़रूरत थी तो मैंने बस इतना लहसुन डाला। आप चाहे तो इसमें 1-2 किलो लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इसी टिप्स को फॉलो करते हुए लहसुन छिलना पड़ेगा, तभी आपका लहसुन छिलाएगा, नहीं तो वो वॉशिंग मशीन में फंस जाएगा। जैसे कपड़े की गुच्छियाँ फंस जाती हैं वैसी आपको फंस जाती है ना, वैसे ही। इसलिए मैंने बोले थे कि जब लहसुन की कलियाँ डालें तो थोड़ा सा फैला के डालेंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स हैं, बहुत ही आसान तरीका है, डरने की कोई बात नहीं है। आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और हमने इसको बैग में डाल के स्प्रिन किया है ना, तो लहसुन की कोई भी कलियाँ नीचे नहीं गिरेगी, तो आपके वॉशिंग मशीन से लहसुन की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। कई लोगों को लगता है कि लहसुन को हम जब छीलते हैं तो हमारे हाथ से स्मेल आता है, तो ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन से भी स्मेल आएगी। तो इस तरीके से आप ढेर सारी लहसुन को छिलकर रेडी कर सकते हैं वॉशिंग मशीन के। बहुत ही अच्छा टिप्स है। तो फ्रेंड्स इस टिप को फॉलो आप ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस तरीके से ढेर सारी लहसुन छिल पाएँ या नहीं। वीडियोस आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।